पूरा देश 15 अगस्त 2022 को आजादी अमृत महोत्सव मना रहा था। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस की खुशी में उत्साहित थे, लेकिन धनबाद कोयलांचल के यह दिन एक दुखद घटना की तारीख बन गई थी। इस दिन बीसीसीएल अधिकारियों के सुरक्षा में अनदेखी, बिना वजह बनाए गए बागवानी को दिखाने, उस पैसे की बंदरबाट को छुपाने के लिए झंडोत्तोलन का स्थान बदल दिया गया था। नतीजा हुआ कि 11,000 हाई वोल्टेज तार के करंट में दिलसाद अहमद की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही किरण पांडे, भूपेंद्र सिंह, विकास कुमार, केशरी व कृष्णा पासवान करंट से झुलस गए थे। चारों कर्मी अभी भी गंभीर स्थिति में है, जिसका इलाज चल रहा है। स्थल को बदलने का काम परियोजना पदाधिकारी यूके सिंह ने किया था। यही नहीं, ओसीपी के मजदूरों को भी उक्त स्थल बुला लिया गया। जबकि मजदूर नहीं पहुंचने लगे तो हाजरी बाबू को परियोजना पदाधिकारी बुलवा लिया गया। अब मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मजदूर नेता हत्या का मुकदमा करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहे हैं। DGMS जांच जरूर कर रही, वह जांच कछुए की चाल से चल रही है। जांच होते होते लोग घटना को भूल जाएंगे, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता मजदूर नेता पहले हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनका नजरअंदाज करना या ढुलमुल रवैया है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। क्योंकि पूर्व में भी आप 1991 की बात है, 91 या 92 की बात है, इस तरीके का एक घटना वहां पर हुआ था। उसके बाद से मैनेजमेंट और भारत कोकोकोली प्रबंधन जो है वो वहां पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे और उसके बगल में करते थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि उस परिपाटी को चेंज करने के लिए जो अभी नए परियोजना पदाधिकारी आए हैं वो पूर्व वही स्थान पर चुनाव किए झंडो ध्वजारोहण के लिए, जो स्थान पर एक बार ऑलरेडी घटना हो चुका था, दुखद घटना घट चुकी थी, और फिर वहीं पे किए। इन लोगों ने सुरक्षा का कोई भी मानक नहीं अपनाया और उसमें एक दिलशाद नाम के व्यक्ति का वहीं पर मृत्यु हुआ और चार अभी भी जो हमारे वर्कर हैं, मजदूर हैं, वो अभी भी सीरियसली इंजर्ड हैं और जो अस्पताल में इलाजरत हैं। वहां पर एक तो जो हाजिरी भी वहां पर वहां जो है हाजिरी बाबू को बुलवा करके 15 अगस्त को सारा हाजिरी भी वहीं बनवाया गया। ये चीज मेरे भी संज्ञान में आया है कि वहां पर एक आपको एक स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर बंदरबाट वाली बात है, तो ये मेरे भी संज्ञान में मामला आया है कि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी करवाया गया था और हमको तो लगता है कि शायद इसी सब की वजह से लोग वो पुराने स्थान को छोड़ के नए स्थान पे कर रहे हैं। सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि 3.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट था। अब क्या सच्चाई है नहीं है ये तो मैनेजमेंट बताएंगे, लेकिन ये लोग अपने कार्य में बहुत ही घोर अनियमितता बरता गया है और असुरक्षा का पूरी तरीके से ये रहा वहां पर। इसकी वजह से ही हम तो बोलेंगे कि एक कर्मी का जान गया है और चार कर्मी अभी भी अस्पताल में इलाजरत हैं। ये कानून तो इसमें कानून में भी प्रावधान है, गैर इरादतन हत्या बोल करके एक है। हम तो बोलेंगे कि ये अगर इस तरीके से ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो आगे ऐसा घटना का पुनरावृत्ति न हो तो ऐसे दोषी अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला लगना चाहिए। क्योंकि देखिए किसी भी कीमत पर मजदूर के जीवन के साथ में, मजदूर के जिंदगी के साथ में, उसकी कीमत पर कोयले का दोहन ये करना तो गलत है और हम लोग इस चीज का विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। मजदूर की जिंदगी हमारे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल, देखिए ये जो दिलशाद उनका नाम था मृतक कर्मी का, हालांकि इसके लिए मैंने CMD से भी फोन पे भी मैंने वार्ता की थी कि जो हम लोगों का जो कोल इंडिया का और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के हेडक्वार्टर में जो शहीदों की सूची है, सबसे पहले तो हमारा मैनेजमेंट से आग्रह है कि स्वर्गीय दिलशाद को शहीद का दर्जा मिले और उसके मतलब उसके पूरे परिवार को किसी तरीके का दिक्कत नहीं हो। उनके नियोजन का भी बातचीत हो चुका है, नियोजन भी उनका हो गया है, लेकिन उनको शहीद का दर्जा जल्द से जल्द दिलाना चाहिए और डिपार्टमेंट को देना चाहिए। बिल्कुल, हम तो कहेंगे कि अगर इस तरीके का पूरे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में अगर कहीं पर भी होता है तो वहां के जितने भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनके ऊपर में ये गैर इरादतन हत्या का मामला लगना चाहिए, तभी जो है दूसरे अधिकारी जो है सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। और जब सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे तभी मेरे मजदूर भाइयों का जिंदगी सुरक्षित रह पाएगा। 15 अगस्त 2022 को जहाँ देश एक ओर अमृत महोत्सव
जोर शोर से मना रहा था और हमारे आकाश किनारी परियोजना के जो अधिकारी यूके सिंह हैं उनके लापरवाही के कारण एक कर्मचारी दिलसाद जो था वो बेचारा शहीद हो गया, वो भी तिरंगा फहराने में, और पूर्णतः रूप से लापरवाह प्रबंधन ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सुरक्षित जगह को अनदेखा कर असुरक्षित स्थान का चयन करना कहीं ना कहीं ये BCCL की घोर लापरवाही को उजागर करता है, जिसके लिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए मुकदमा? मुकदमा IPC का धारा उनके लिए मिनिमम 304 बोलता है, क्योंकि उन्होंने ही उन कर्मियों को बोला था, जिस अधिकारी ने भी बोला उन्होंने उस कर्मियों को बोला है कि आप झंडा फहराइए, और उस जगह से बोला जहाँ पर कि ऊपर में 11,000 का तार तेज प्रवाह में करंट फ्लो हो रहा था और जिसके कारण वो लोहा का पोल सटा और वो बेचारा दुर्घटनाग्रस्त होकर मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके कारण ये प्रथम दृष्टया मामला भारतीय दंड संहिता का 304 का मामला है, और जांच आगे होने पर यदि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की दुश्मनी काम करने के दौरान अगर निकल कर आती है तो ये मामला हत्या में भी तब्दील हो सकता है। यह जिन अधिकारी का भी नाम आ रहा है, जिन अधिकारी का भी, ये जांच का विषय है, मैं जैसा आपको कहना चाह रहा हूँ ये जांच का विषय है। पेपर के माध्यम से जिस प्रकार का नाम आ रहा है, जिस अधिकारी ने भी उनको बोला था, जिन कर्मचारियों को फहराने के लिए उन कर्मचारियों को बोला गया, और वो अधिकारी इस बात को भूल गए कि ऊपर में 11,000 का तार जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है वो पूर्ण रूप से असुरक्षित था, जिसे सुरक्षा दृष्टिकोण मामले से सर्वप्रथम देखते हुए वहाँ पर किसी रूप में भी झंडा फहराने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था। आप क्या करते हो यहाँ पर, इस मामले को किस तरीके से जानते हो? जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और झारखंड हाईकोर्ट, माननीय झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में भी हूँ, और चूँकि इस मामले में एक मजदूर की मौत हुई है, वैसे मजदूर जो बेचारा तिरंगा फहराने के लिए मौत हुआ है उसकी शहादत को नमन करता हूँ। हर एक भारतीय की इच्छा होगी कि इस प्रकार का मौत भगवान उसे दे, क्योंकि वो तिरंगा फहराते हुए शहीद हुआ। कहीं ना कहीं हम सब एक भारतीय होने के कारण हम सब की इच्छा होगी कि हम लोग अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ, और वो उसी कार्य को, घटना को अंजाम दे रहा था, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि जिन प्रबंधन के लापरवाह अधिकारियों ने वहाँ पर, जहाँ उसे उस पोल को उठाने के लिए बोला है, उसके ऊपर से 11,000 वोल्टेज का तार गुजर रहा है, जिसे कि नज़रअंदाज किया गया प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा देखने में, और आदेश दिया गया कि यहाँ पर जाकर झंडा फहराओ, और वो पोल झंडा फहराने के क्रम में तार से सटा, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई, और एक दुर्घटना में त्वरित रूप पर वहीं दिलसाद की मौत हो गई और बाकी लोग जख्मी हुए हैं। इसमें मैं मांग करता हूं स्थानीय प्रशासन से कि प्रथम दृष्टया इसमें केस दर्ज करके पहले जांच होना चाहिए, और अगर दोषियों के विरुद्ध अगर इन दोनों के ऊपर डिपार्टमेंटल रूप में भी अगर मामला अन्वेषण में आता है कि इन लोगों के बीच पूर्व में भी कोई झगड़ा रहा है, यदि अधिकारियों ने उनके खिलाफ चार्जशीट किया है या फिर किसी प्रकार से झगड़ा रहा है, तो यह मामला निश्चित रूप से हत्या में बदलना चाहिए। झंडोत्तोलन पूर्व में होता था या स्थान बदला? बिल्कुल नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने में, ये देखिए झंडोत्तोलन का जगह ये था जहाँ बहुत समय पहले से ही यहाँ पे झंडोत्तोलन हो रहा है, लेकिन जिसे बदल कर वहाँ किया गया, जिसके ऊपर से वहाँ तार गुजर रहा है, ये देखने का चीज़ है जो किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए था। सुरक्षा के दृष्टिकोण होने से कभी भी एक वरीय अधिकारी को ऐसा करने का तो दूर सोचना भी नहीं चाहिए था। DGMS के जांच को किस रूप में देखते हैं आप, अधिवक्ता हैं? कहीं ना कहीं DGMS अगर इस मामले में अगर अपनी जवाबदेही ली है, तो मैं DGMS से भी मांग करूंगा कि एक निष्पक्ष जांच करे, और इस निष्पक्ष जांच में जो भी दोषी निकल कर आते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि एक ऐसा कर्मचारी शहीद हुए हैं और वैसे लोग जख्मी हुए हैं जिनको जो अपने पीछे दिलसाद जैसे अपने पीछे तीन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर गया है और अपनी पत्नी को छोड़कर गया है, जो कि जिसके बच्चे अपने पिता के बिना महरूम हैं और जिनकी पत्नी अपनी पति के बिना महरूम है, इसलिए जिसकी भरपाई कभी नहीं किया जा सकता है। BCCL नौकरी देकर और कुछ पैसों का मुआवजा देकर उसका भरपाई नहीं कर सकता है, दिलसाद को वापस नहीं दिला सकता है उनके परिवार वालों को।